अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इब्राहिम ब्लॉग्स। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रियाद की एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी मस्जिद जामिया मालिक बिन अब्दुल अज़ीज़ में। तो गाइस, अभी हम तैयार शहर हो गए हैं, तो मस्जिद हमारे घर से थोड़े ही फासले पर है, तो आपको वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ओके, अभी हम पहुंच गए हैं जामिया मलिक खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये अंदर से सऊदीया बेशक पूरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इधर की मस्जिद की क्या बात है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ से मस्जिद, इसका गेट कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये सारी इसकी पार्किंग है यहाँ पर मस्जिद की। चलते हैं अंदर, खूबसूरत बना। अभी सफाई हो रही है अंदर की, अभी थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम है, तो अभी सफाई चल रही है यहाँ पे, इसकी वजू की जगह। आपको अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ कि मस्जिद कैसी है अंदर से। ये अंदर से मस्जिद है, ये देखें, ये इधर मशीन लगी हुई है, ये दुआएं वगैरह है, इस मशीन में से स्लिप निकल आएगी। और ये मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, और भी सारी मालूमात, डेट वगैरह लिखी हुई है आज की। अभी चलते हैं मस्जिद, देख रहे हैं हम, वो जो इमाम की जगह है वो भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है सामने। देखें आप लोग, इतनी खूबसूरत बनी हुई है, अभी लोग कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं हूँ सकूँगा इधर मस्जिद में ज़ोर से। तो अभी देखें, ये जो मस्जिद में इमामत कराते हैं उनकी जगह है, ये भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जी तो मस्जिद आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ इधर मस्जिद को देख के कि इतनी इन्होंने सफाई रखी हुई मस्जिद में, इतनी प्यारी खुशबू मस्जिद के अंदर। तो मैं आपको इसी तरह रियाद में प्यारी प्यारी मस्जिदें और भी जगहें दिखाता रहूँगा, साथ साथ मस्जिदें भी दिखाऊँगा ना, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मस्जिद किधर है और किस तरह की मस्जिद है अंदर से, कैसा इधर का ख्याल रखा हुआ इन्होंने मस्जिद में, बहुत अच्छा वैसे तो ख्याल रखा हुआ इन्होंने, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी मेनटेन हुई हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब रोज़ा खुलता है तो रमज़ान में जैसे ना अफ्तारी होती है, तो ये थोड़ी देर पहले बांट देते हैं अफ्तारी, यानी कि असर के टाइम बांट देते हैं ये,
तो आपने जब भी आना इधर मल अमाम में, मस्जिद मालिक बिन अब्दुल अज़ीज़ नाम है इसका, तो आपने इधर जब भी आना है तो थोड़ी देर पहले आ जाना है रमज़ानों में। रमज़ान में भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं इधर कि रोज़ा किस तरह खुलता है। तो आपने थोड़ी देर पहले आना है अफ्तारी अगर करने के लिए आ रहे हैं आप, तो क्योंकि ये अफ्तारी थोड़ी देर पहले बाहर देते हैं ताकि मस्जिद में सफाई रहे तो रश वगैरह ना हो इधर ज़्यादा, क्योंकि फिर आपको पता है कि रश वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुश्किल होती है अफ्तारी करने की और लोगों को भी, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा आ जाती है ना अफ्तारी करने। यहाँ पर मस्जिदों में हर मस्जिद में बहुत अच्छा इंतज़ाम है अफ्तारी का ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ानों में सारी मस्जिदें दिखाऊंगा। अभी से मैंने थोड़ी सी दिखाना शुरू की है आपको मस्जिदें और भी जगहें दिखाऊंगा साथ साथ, पार्क वगैरह भी दिखाता रहूँगा मैं आपको साथ साथ, लेकिन मस्जिदें भी ज़रूरी हैं दिखाना ये, क्योंकि सऊदीया की मैं समझ लें कि 50% जो ब्यूटी है ना वो मस्जिदें ही हैं सऊदीया में। और भी जगहें हैं जो नई बन रही हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन मस्जिदें भी साथ साथ यहाँ के दिखाते रहेंगे आपको। उसकी अफ्तारी हो रही है तो अभी हम भी रोज़ा खोलते हैं और वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ओके, तो अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकल आए हैं और अभी निकलते हुए इन्होंने हमें शोरबा भी दिया। ये इनकी अरब की डिश होती है, ये सूप टाइप है। और ये अभी हम मस्जिद की बैक साइड पे हैं, बैक साइड भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है और इसके सामने ये गाड़ियों की वर्कशॉप वगैरह है। और अभी हम बैक साइड पर जा रहे हैं, गाड़ी हमारी उधर लगी हुई है। तो बड़ा मज़ा आया मस्जिद में, हमने रोज़ा भी खोला है मस्जिद के अंदर, इसको पी के चेक करते टेस्ट कैसा है। दाल जैसा टेस्ट है। और ये आ गई इसकी बैक साइड मस्जिद की। जी तो गाइस अभी हम घर वापस आ गए हैं और आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा और हमने मस्जिद में रोज़ा भी खोला, शोरबा भी पिया और मस्जिद की खूबसूरती को ख़ुद भी देखा, आपको भी दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और रियाद की इसी तरह की अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।